हेलो गाइस, मैं आपका देवेश, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड। तो आज का ब्लॉग क्या है बोलता हूँ, एकदम पूरा खतरनाक चिंदिया ब्लॉग है आज का। क्या बोले तो एक नंबर फ्रॉड हो गया गाइस मेरे साथ। बोले तो कैसा, बोले तो मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट में जॉब के वास्ते अप्लाई करा था। जॉब के वास्ते अप्लाई करा तो मेरे को एक बार ऑलरेडी एक बार हुआ था, पर मनी के वास्ते, मनी देना जॉब के वास्ते बोले तो मैं पीछे अड़ गया था। फिर से गणेशों के टाइम पे मैं ये पूरा करा था, फिर से लिंक में अप्लाई करा, ये वो वगैरह वगैरह करा। फिर से सेम किस्सा, पैसे डाला, सोप डाल दिया वेबसाइट में, नहीं डाला, डायरेक्ट वहाँ पर ऑफिस कुछ गया, ऑफिस को जाके इंटरव्यू हुआ वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ। हाँ, डाले बाद फिर वहाँ पर इंटरव्यू होते सो टाइम पे पैसे पूछे, वो पूछे वगैरह वगैरह। चिंदिया पूरा गलीस, एक नंबर फ्रॉड कंपनी है गाइस। वॉइस दिखा दे तुम, मैं साइड में आपको मैं फोन पे करा 1000 रुपीज, सोप दिखाता हूँ मैं कितने कितना पेमेंट करा वो भी दिखाता हूँ। देखो मैं पूरा कंपनी ऑफिस वगैरह वगैरह सोप दिखाता हूँ गाइस। अपने साथ तो देखो सनी है, सनी आ गए साथ में। मम्मी को भी फुल गुस्सा आ रहा, एक बार नहीं दूसरी बार हो गया ये, बोलता फर्स्ट टाइम मनी नहीं भरे थे, दूसरी बार पेमेंट हुआ ये। चलो आप लोग एंजॉय करो, हो सको तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब जनों का अवेयर होना ये। चलो एंजॉय द वीडियो गाइस। पूरा व्यूज दिखा तू मैं, ऑफिस कैसा है देखो गाइस। ऑफिस को पहुंच गए और कैमरा सेटअप भी कर लिया अपने शर्ट में। ओके, तो कैमरा सेटअप भी कर लिया, थोड़ा बहुत तो डर भी लग रहा था। वहाँ पर ऑफिस क्लोज था गाइस, ऑफिस क्लोज था, फिर भी अपन जाते वापस धनवाधन नीचे आजूक बाजूक देख के, और नाम भी देख लो, मैं कंपनी का नाम भी डाला। ऑफिस तो क्लोज था ना, तो हम लोग नीचे आ गए। नीचे आके तो अभी हम मैं और सनी प्लान क्या डाले बोले तो, अभी सनी फ़ोन लगाएंगा, सनी के नंबर से फ़ोन लगा के बोलेंगे कि मैम आप मेरे को इंटरव्यू को बुलाए थे ये वो, तो अब मैं आपके ऑफिस के नीचे आके ठहरा हुआ हूँ बोल के वो बोलेगा। तो मैम क्या बोली, आप लोग डायरेक्ट रिकॉर्डिंग में सुनो, आप लोग भी शॉक हो जाते हैं फ्रेंड्स। देखो हेलो 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 मैम, इकड़ा रेज्यूम తీసుకొని వచ్చాను జాబ్ కోసం ఇక్కడ। హలో సపనాల, హా చెప్పండి। ఇక్కడ ఆఫీస్ కార్డ్ కొస్తే ఆఫీస్ క్లోజ్ చేస్తుంది, లంచ్ టైం కదా, లంచ్ కి వచ్చినాం ఇప్పుడు, ఒక 10 నిమిషస్ లో ఓపెన్ అవుతది। ఓకే నా, తో అప్నా బందా బోల్ దియా కి మై రెజ్యూమ్ లే లేకే ఆప్కే ఆఫీస్ కే నీచే ఠెరా హువా హూ, ఆప్కా ఆఫీస్ బంద్ హై। तो मैम क्या बोली आप तो सुने, मैम बोल रही थी कि जैसा अभी लंच टाइम है, ऑफिस तो क्लोज है, पर यहाँ पर हाईलाइट चीज़ क्या है बोले तो, अपने बंदे का ना रिज्यूम नहीं है ना एनी आईडी प्रूफ है, पर भी विदाउट रिज्यूम वो जॉब के वास्ते ओके बोलती। देखो गाइस आप भी देखो वीडियो में अभी, मैं बैठा
Your brother name? Devesh. Devesh. He attended the interview. He applied on online. Hmm. He referred me. Okay. You are having a text message? No, ma'am. No. He referred. కాలేదు అయితే ఫోన్లో చెప్పిండు ఇక్కడ ఉందని తీసుకున్నాను. పర్సనల్ ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ వచ్చు మీకు? టూ లాంగ్వేజెస్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. ఒకసారి మీ ఫ్రెండ్కి ఎస్ఎంఎస్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపిమని చెప్పు వాట్సాప్లో. तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू हो गए बाद तो अपना बंदा क्या बोल दिया बोले तो इंटरव्यू में पूरा थोड़ा इंटरव्यू ले लिए बाद नेम वगैरह आप कैसा है ये वो बोलता वो बोला कि मैं सजेस्ट करा ये ऐसा. तभी भी वो मेरे को पहचान नहीं सकी. मैं बोलता मास्क जरा अलग मास्क भी सेटअप करके गया था नहीं पहचान नहीं सका. पर जब अपना बंदा बोल दिया कि इंटरव्यू में वो पूछे पैसा पैसे लगे तो पैसे दिए तो आपको जॉब मिल जाएंगी. तो अपना बंदा बोला पैसे ले रहे सोप खा ले रहे पर हमारे को जॉब नहीं मिल रहा. ऑलरेडी मेरे भाई के साथ ऑलरेडी ऐसा हो गया है. बोल तो वो बोली कि मैं आपके सर के लोगों को बहुत देखी मैं बस से बोल के एकदम अपने बंदे को बाहर कैबिन के बाहर निकाल दी और खुद भी बाहर आ गई. और कैबिन के बाहर आए बाद वो डायरेक्ट मेरे कने आके थेरी माई क्या मास्क निकाल के सडन सरप्राइज देते कि खत्म. मैं पूछा कि आप मैं जान गए क्या मैम? बोले तो खत्म मैम. स्कैमर ना शॉक लिटरली आई एम सेइंग ना गाइस शॉक हो गई. वो स्कैमर तो लिटरली शॉक हो गई. मैं थोड़ा देर पूछा मैंने पैसे भरा था तो मेरे को जॉब नहीं आई. अभी तक जॉब नहीं आई. नियर बाय 2-3 मंथ्स हो रहा. मैं तो मनी भर दिया तो जॉब तो मानता है ना अपने को. तो मैं स्कैमर बोल रही थी कि नहीं आप जब भी स्ट्राइक करने का था वगैरह 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 मतलब ये कैसा रहता मतलब अपने कहने से पैसा वसूल खत्म. उसके बाद थोड़े अपना आईडी प्रूफ तो ले लेते अपना नंबर ब्लॉक कर देते ऐसा रहता ये स्कैमर्स का. फिर बाद में क्या हुआ बोले तो फिर थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया स्कैमर के साथ. फिर अपना थोड़ा वीडियो डिस्टर्बेंस हो गया. फिर अंदर ऑफिस में उनका जो मेन स्कैमर का हेड बैठे हुआ था अंदर मेन लिटरली गाइस अपन उनका वीडियो नहीं निकाल सके. पर वो क्या बोला कि वो जरा रिलीफ में बात करा आपको पैसे मिल जाएंगे वगैरह अगर नहीं तो जॉब मिल जाएंगी. पैसे भी नहीं मिले ना जॉब भी नहीं मिले लिटरली बोल रहा ना गाइस. वो तो एकदम फ्रॉड दिखा पूरा कंपनी पूरा फ्रॉड दिखा वैसा. तो गाइस इतना ही था वीडियो. मैं बहुत बहुत बोल तो बहुत हिम्मत करके निकाला था वीडियो. अब ज़्यादा से ज़्यादा और कि मैं कितना अमाउंट पे करा इतने साइड में देखो गाइस मैं साइड में दिख रहा ही था आप लोग को. तो वो सब मैं 1000 रुपीज़ ही पे कराऊंगा. पर अभी ये स्कैमर्स ना 1000 रुपीज़ बोल के अभी 1000 बोल के मेरे को 20,000 तक खींचने वाले थे. पर मैं 1000 रुपीज़ पे करके मैं अलर्ट हो गया. मैं इसके से आप लोग को पहले से ही केयरफुल कर दे रूँगा इस. ओके तो आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अलर्ट हो गए होंगे मेरे ख्याल से. तो ये वीडियो देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगा इस ये वीडियो हर एक जनों को शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स जॉब फ्रेंड और जो जॉब के वास्ते ढूंढ रहा और ये वेबसाइटों में अप्लाई कर रहा वो फ्रेंड को. और गाइस प्लीज़ ये वीडियो तो भी कम से कम हर एक व्हाट्सएप स्टेटस में डालो और हर एक आपके फैमिली मेंबर के ग्रुप में डालो. ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो गाइस. कई को बोलते ऐसे स्कैमर्स बहुत हो गए आजकल बहुत हो गए. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस ये वीडियो. चलो अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में. जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो. कॉमेंट्स में आप लोग क्या मन हो रहा वो डालो कॉमेंट्स में. वो वीडियो देख के आपको क्या दिखा उसमें मैं कमेंट में डालो. चलो फिर मैं मिलूँगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत गाइस.